नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएँ और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई सब लोग। चलिए, आशा करते हैं सबने शेयर कर दिया होगा। अब विचार पे चलते हैं। विचार है आज का हमारा, अपना समय बर्बाद मत करो। समय की बर्बादी आपके जीवन की बर्बादी के बराबर है। समय बर्बाद मत करो, समय की बर्बादी आपके जीवन की बर्बादी के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। आज जो समय निकल गया वो वापस नहीं आने वाला। समय बर्बाद कर रहे हो तो आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। आज जो सुनहरा समय आपके पास है वो कल वापस नहीं आएगा। इसको जितना बर्बाद करना चाहो कर लो आप, लेकिन एक दिन पछताना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए समय की वैल्यू समझो। समय बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। इसे ऐसे ही बेकार में बर्बाद मत करो, इसे कहीं उपयोग में लगाओ ताकि आपका कल सवर जाए। आज यदि आप समय का मूल्य समझोगे तो कल समय आपका मूल्य समझेगा। यदि आज आप समय का मूल्य नहीं समझ रहे हो तो कल समय आपका मूल्य नहीं समझेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जो लोग कल के ऊपर सोचकर बैठ जाते हैं कि भाई ये काम हम कल करेंगे, वो उस काम को कभी नहीं कर पाते हैं। और आज जो वक्त है आपके पास, ये वक्त आगे नहीं रहने वाला, ये आपको ध्यान देना है। आज जिम्मेदारियाँ इतनी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती रहेगी जिम्मेदारियाँ आती रहेंगी कंधों पे, और जैसे ही जिम्मेदारियाँ आती रहेंगी आपके पास समय कम रहता रहेगा। जितने इंसान बड़ा हो जाता है इतनी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, उतना ही समय कम रह जाता है। फिर कहाँ से समय दोगे आप? समय मिलेगा ही नहीं। जितना आप समय को आज बेकार कर रहे हो, कल को आप समय मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए समय को बर्बाद मत करो भाई, समय की कीमत समझो और अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा लो। चलिए प्रश्न पे चलते हैं हम। समय का मूल्य समझते हुए पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। इसमें आपको ये बताना है कि पूजनीय जो शब्द लिखा होता है वो कैसे शुद्ध होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम ऐसे लिखा हुआ है और आपको बताना है कि पूजनीय कैसे सही लिखा होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, पूजनीय। पूज्य ठीक तब होता, वैसे मतलब पूज्य और पूजनीय का एक ही होता है। पूज्य का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पूजन के योग्य हो, और पूजनीय का मतलब भी वही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पूजन के योग्य हो। मतलब पिताजी, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। ठीक है, पूजनीय शब्द बिल्कुल सही है, पूजनीय सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कि यदि पूज्य है तो निय नहीं लगाएंगे उसमें, ओनली पूज्य से ही वो अर्थ निकल जाएगा। लेकिन यदि पूज लिख रहा है तो पूजनीय लगाना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन यदि पूज्य लिखा हुआ है कहीं तो वहाँ निय लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आनंद मगन में कौन सा समास है? शब्द दिया हुआ है आनंद मगन और पूछा है हमसे कौन सा समास है। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या है इसका आंसर? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या है? सबसे पहले आनंद मगन शब्द को हम इसकी टांगें तोड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कहाँ चोरी की है इसने। अब टांगें कैसे तोड़ेंगे इसकी, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? आनंद में मगन, ठीक है, आनंद में मगन। ये जो मैं कारक चिन्ह आया इससे पता चल गया कि इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी को
जायसी क्यों कहा जाता है? आपको ये बताना है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, मतलब क्यों कहा जाता है, सीधे से ये पूछा है। जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए कहा जाता है, जायस मत को मानने वाले थे इसलिए कहा जाता है, जायस नामक स्थान के निवासी थे इसलिए कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? भाई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? इनके पीछे जो उपनाम लगे होते हैं नामों के, इनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ऐसे ही नहीं लगते हैं। चलिए, जायस गोत्र में पैदा हुए थे ये नहीं है भाई, जायस मत को मानने वाले थे ये भी नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जायस नामक स्थान के निवासी थे जायसी, इसलिए उन्हें मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, हिंदी की पहली कहानी किसने लिखी थी ये आपको बताना है। बंग महिला ने, सत्यवती ने, चंद्र किरण ने या चंद्रकांत ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, पहली कहानी यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता था, हिंदी की पहली मौलिक, मौलिक का मतलब है आधुनिक कहानी की लेखिका, ऐसे भी हो सकता था प्रश्न। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? चंद्रकांता नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका नाम है चंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। वैसे इन्हें बंग महिला कहा जाता था। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। चलिए प्रश्न है हमारा, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है ये आपको बताना है। विश्वनाथ का है, राजशेखर का है, श्रीहर्ष का है या भास का है? अच्छा प्रश्न है ये भी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ जी का कथन है ये वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है, उन्होंने कहा था रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, जिस वाक्य में रस हो उसे ही काव्य कहते हैं, उनका ये मानना था विश्वनाथ जी का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सीधे मुंह बात ना करना इसका अर्थ क्या है? सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ पूछा है, नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या घमंड करना? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ? नाराज होना नहीं होगा, हार मानना भी नहीं, फटकार सुनाना भी नहीं, घमंड करना। किसी इंसान से आप बात करने जाओ, आपसे सीधे मुंह बात ना करे, इसका मतलब तो यही है कि वो घमंड दिखा रहा है। ठीक है, घमंड करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, कौन सा शुद्ध है? यह पत्र आपके अनुसार है, भीड़ में चार पटना के व्यक्ति भी थे, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, कौन सा इसमें शुद्ध है ये आपको बताना है भाई। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न अच्छा है। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा पहला ऑप्शन देखते हैं पहले। यह पत्र आपके अनुसार है, यह पत्र आपके, क्या आपने अनुसार देखा है कभी? यह पत्र आपके अनुसार नहीं, आपके अनुरूप है,
ठीक है, अनुरूप होना चाहिए था। भीड़ में चार पटना के व्यक्ति भी थे, ये ऐसे सही लिखा हुआ है क्या? नहीं, कैसे होना चाहिए था? भीड़ में चार पटना के व्यक्ति नहीं, भीड़ में पटना के चार व्यक्ति, पटना के चार व्यक्ति भी थे, ये होता जब सही था। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, क्या ये सही है? नहीं, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, जब लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, वैसे भी सही है और लिखा हुआ भी सही है कि कर्मवीर व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, मिलती ही है जो कर्म करता है उसे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं? एक तरह से जिसमें ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? हम निरामय कहते हैं, निर्मोही कहते हैं, निर्मम कहते हैं या निष्ठुर कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जो ममता से रहित हो या जिसमें ममता ना हो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसे निर्मम कहेंगे। ठीक है, निरामय किसे कहेंगे? निरोग या निष्कलंक व्यक्ति को निरामय कहते हैं, दो अर्थ हैं इसके। निर्मोही, जिसमें मोह ना हो उसे भी कह सकते हैं, अनुराग न रखने वाले को भी कहते हैं, निर्दयी को भी कहते हैं निर्मोही। निष्ठुर किसे कहते हैं? कठोर को कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसके लिए एक शब्द पूछा है भाई, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, क्या होगा सही आंसर इसका? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जोरदार नहीं कहेंगे, तीखा नहीं कहेंगे, सटीक नहीं करेंगे, कहेंगे डी, अकाट्य। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे अकाट्य कहते हैं, कोई काट नहीं है इसकी। ठीक है, जोरदार तो ताकतवर को कहते हैं और तीखा तीक्ष्ण या कटु को कहते हैं, सटीक सही को कहते हैं। सटीक का मतलब ये कभी नहीं होता कि उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अकाट्य का मतलब होता है उसका कोई और तर्क नहीं है। चलिए प्रश्न है हमारा, अवार्चीन शब्द का विलोम क्या होता है? अवार्चीन शब्द का विलोम ये आपको बताना है। नूतन होता है, नव्य होता है, प्राचीन होता है, नवीन होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रश्न ये भी अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा अवार्चीन शब्द का विलोम? नूतन नहीं होगा, नव्य नहीं होगा, नवीन नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अवार्चीन शब्द का विलोम प्राचीन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, बहिरंग शब्द का विलोम है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। अंतरंग, रंगारंग या जल तरंग या राग रंग, क्या होता है बहिरंग शब्द का विलोम? बहिरंग का मतलब है बाहर वाला, जो गुट या मंडली के भीतर ना हो, बाहर हो, उसे बहिरंग कहते हैं। ठीक है, और इसका विलोम क्या होता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अतरंग। अतरंग का मतलब है घनिष्ठ, जो गुटिया मंडली के भीतर हो उसे कहते हैं अतरंग। ठीक है, रंगारंग कहते हैं बहुत से रंगों वाला, जल तरंग जल की तरंगों को कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये हमको बताना है। दांडिम, दंत, दशन या रदन, दांत का पर्यायवाची क्या नहीं है इनमें से, ये हमें बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, दांत का पर्यायवाची क्या नहीं है?
दंत दांत का पर्यायवाची है, दसन भी है, रदन भी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दंडिम दांत का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? राम बीज। अब आप कहेंगे राम बीज किसे कहते हैं, तो शुक्रप्रिय। शुक्रप्रिय किसे कहते हैं? सक प्रिय। सक कहते हैं तोते को, शुक्रप्रिय का मतलब है तोते को प्रिय है। क्या है वो? जो राम बीज है और शुक्रप्रिय है, तोते को प्रिय है, अनार, दंडिम अनार को कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण है। क्या विशेषण है ये हमें बताना है। सभा में बीसियों लोग थे, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? गुणवाचक विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? सभा में बीसियों लोग थे, बीस नहीं थे, बीसियों थे। यदि यहाँ पे बीस होता ओनली तो निश्चित संख्यावाचक होता, लेकिन बीसियों कह रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक है, मतलब बीस से ज़्यादा हैं। आंकड़ों में अनुमान बता रहा है कि बीसियों लोग थे, ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। चलिए प्रश्न है, गिरधर शब्द का में समास है, गिरधर शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तत्पुरुष समास, दिगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, गिरधर शब्द में समास है। चलिए भाई आंसर दीजिए, गिरधर शब्द में समास है, बहुत ही अच्छा शब्द है। और ये तो हमारे सेशन में एक स्टूडेंट का भी नाम है, स्टूडेंट का नाम है गिरधर, अच्छा स्टूडेंट है, रोज आता है वो सेशन में और पढ़ने में भी सही लगता है, बस थोड़ा कंफ्यूज रहता है बेचारा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगा। चलिए अब गिरधर में देख लेते हैं समास कौन सा है। सबसे पहले गिरधर की टांग तोड़ेंगे भाई, जब ये बताएगा चोरी कहाँ से की है। समास विग्रह करना है हमें, कैसे करेंगे? गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण, ठीक है, गिरी को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष नहीं है, दिगु नहीं है, कर्मधारय नहीं है, बहुव्रीहि समास है, गिरधर कृष्ण को कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किन शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं? आगत शब्द किन शब्दों को कहते हैं भाई? देसी या देश शब्दों को कहते हैं, तत्सम शब्दों को कहते हैं, तद्भव शब्दों को कहते हैं, या विदेशी या विदेश शब्दों को कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न अच्छा है। आगत का मतलब होता है आया हुआ, ठीक है। चलिए, देशज नहीं है भाई, तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विदेशी या विदेश शब्दों को आगत कहते हैं, जो विदेश से आए हैं, विदेशी मूल के परस्पर संपर्क में रहने के कारण जो शब्द कुछ ऐसे हैं जो यहाँ प्रचलित हो गए हैं। जैसे ऑर्डर शब्द विदेशी शब्द है भाई, लेकिन यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं बिना किसी चेंज के, ज्यों का त्यों। विदेश के जो शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हम विदेशी, विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। जैसे ऑर्डर है, कंपनी है, विदेशी शब्द है कंपनी। क्रिकेट है, क्रिकेट भाई हमारे यहाँ का शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है, लेकिन उसे हम यहाँ ज्यों का त्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो आगत शब्दों में आता है। चलिए, विदेशी विदेशज इन्हें ही आगत भी कहते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में एकार्थी शब्द है, कौन सा शब्द ऐसा है जो एकार्थी है? हार, कर, अर्थ या गंगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, एकार्थी शब्द कौन सा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, कौन सा है एकार्थी शब्द? सबसे पहला ऑप्शन है हार। एकार्थी उन्हें कहते हैं जिनका एक ही अर्थ हो बस। हार के तो भाई दो अर्थ होते हैं, कैसे? एक तो गले में पहनने का हार होता है,
जिसे स्त्रियां आभूषण के रूप में पहनती हैं, गले की माला, उसे हार कहते हैं। एक होता है पराजय, पराजय को भी तो हार कहते हैं हम, ठीक है। पराजय और गले की माला दो अर्थ हो गए। कर, कर के भी दो अर्थ हैं, एक तो हाथ और एक टैक्स। अब अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ के भी दो अर्थ हैं, कैसे? एक तो अर्थ का मतलब प्रयोजन है और एक अर्थ का मतलब धन भी होता है, ठीक है। डी ऑप्शन गंगा, गंगा का एक ही अर्थ है, गंगा। गंगा तो गंगा ही है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं वो एकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? वचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? कौन सा शब्द ऐसा है जो रूढ़ शब्द है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, उन्हें रूढ़ कहते हैं, जो किसी में मिलकर ना रह सकें, अलग ही ढाई चावल बनाए उनके। चलिए वचनालय, समतल, वचनालय, समतल, विद्यालय, ये तीनों यौगिक शब्द हैं, लेकिन डी ऑप्शन पशु ये हमारा रूढ़ शब्द है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यदि इसके टुकड़े कर दें तो कोई सार्थक अर्थ नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए विद्यालय, इनके हम टुकड़े कर देंगे, विद्या धनालय, विद्या का भी अलग अर्थ है और आलय का भी धन अलग अर्थ है। यदि इसके हम टुकड़े कर देंगे, वैसे तो दो ही शब्द हैं, टुकड़े करेंगे क्या दो ही वर्णों के, लेकिन यदि कर भी देंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई ये। चलिए आंसर लेते हैं, क्या होगा? परिवार शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है भाई, क्योंकि परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम होता, रामू, श्यामू, कुछ भी नाम होता तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, किसी जाति के बारे में बात नहीं हो रही है। भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, डी ऑप्शन सही है, समूहवाचक। परिवार में सब समूह में तो रहते हैं, परिवार मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सबको मिक्स करके एक होता है, सभी रहते हैं उसमें, लेकिन नाम क्या होता है? परिवार, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और एक नाम हो उसका, उसे हम समुदायवाचक में रखते हैं। कैसे? जैसे एक आयोग होता है, आयोग शब्द को हम समुदायवाचक में रखते हैं क्योंकि कई सारे लोग होते हैं लेकिन नाम एक ही होता है आयोग। जैसे टीम होती है, किसी भी चीज़ की टीम हो, वो क्रिकेट की हो चाहे किसी भी चीज़ की टीम हो, उसे समुदायवाचक में रखेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन नाम एक ही होता है टीम। समिति होता है, उसे भी समूहवाचक में रखेंगे। पुलिस होता है, नाम पुलिस है लेकिन संख्या में तो बहुत सारे होते हैं वो लोग, लेकिन नाम पुलिस ही होगा तो उसे समूहवाचक में रखेंगे। वैसे ही सेना भी है, सेना को भी हम समूहवाचक में रखते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? माल, जनता, सामान या पिताजी? कौन सा ऐसा शब्द है भाई जो बहुवचन में प्रयोग होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, प्रश्न अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? माल, माल लुट गया। क्या है ये? वैसे पुरलिंग शब्द है लेकिन एक वचन में प्रयोग हो रहा है, लुट गया एक वचन है। जनता, भूल गई, जनता भूल गई, ये क्या है? एक वचन है, गई, ठीक है, स्त्रीलिंग है वैसे जनता शब्द। सामान, सामान खो गया, क्या है? एक वचन है, गया। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, पिताजी खा रहे हैं, सिंगल बेशक हैं
लेकिन हमेशा प्रयोग बहुवचन में होता है। क्यों होता है ये भी मैं बता देती हूँ। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन शब्द का ही प्रयोग होता है, जो आदरणीय है, जैसे गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, ऐसे व्यक्ति जो आदरणीय हैं उन्हें हम बहुवचन में रखते हैं। जैसे पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। क्या आप ऐसे कभी बोलते हो पिताजी आ रहा है? नहीं बोलते ना, क्योंकि ये आदरणीय व्यक्ति हैं और इनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्रिया संपन्न करने वाला कारक है, ऐसा कौन सा कारक है जो क्रिया संपन्न करने के लिए प्रयोग में आता है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान? आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं। निम्न में से क्रिया को संपन्न करने वाला कारक कौन सा है? संप्रदान कारक वो होता है जिससे कोई क्रिया संपन्न की जाए या किसी को कुछ दान दिया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कारक विभक्ति को या के लिए होती है। करण कारक क्रिया का साधन या उपकरण, ठीक है, कारक विभक्ति से होती है। कर्म कारक क्रिया से प्रभावित होने वाला जो कारक होता है उसे कर्म कारक कहते हैं, कारक विभक्ति को होती है। कर्ता क्रिया से क्रिया को संपन्न करने वाला कारक, राम ने ये काम किया, श्याम ने ये काम किया, ने से ही तो पता चलता है, ने जो ने के बाद जो व्यक्ति है उसने ही तो वो काम संपन्न किया है। जो क्रिया को संपन्न करने वाला कारक है वो कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता ही तो सारे काम करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनम्र निवेदन है, सेशन को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ भी उठाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।